वेलकम इन दादिच स्टडी रूम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और उसमें चल रहा था बोल्टेड कनेक्शन, जिसका प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जो आई बटन दिख रहा है आपको ऊपर, उस पर आप प्रेस करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बोल्ट कनेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है, पिच क्या है, लेंथ क्या है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो होगा डिज़ाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जॉइंट्स के बारे में। प्लेट जॉइंट, प्लेट किस पोर्शन में जॉइंट होगी और वो प्लेट क्या कहलाएगी। मेनली प्लेट जॉइंट या बोल्ट जो होगा आपका, वो सिंपली दो पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका लेप जॉइंट एंड द अदर वन इज द बट जॉइंट। लेप जॉइंट अकॉर्डिंग टू नेम लैपिंग, ओवरलैपिंग हो रही है अगर प्लेट में, नॉन इज अ लेप जॉइंट। और बट जॉइंट आपका किस तरह हो रहा है, मान लीजिए दो प्लेट यूज कर रहे हैं, दो प्लेट अगर आपने इस फॉर्म में यूज किए है और यहां पे आपने पर्टिकुलर कोई बोल्टेड कनेक्शन यहां यूज किया है, ये लेप जॉइंट आपका फोर्स। अगर मैं बात करता हूं बट जॉइंट में, बट जॉइंट आपका दो टाइप का होगा। फर्स्ट है आपका सिंगल कवर बट जॉइंट, द वन इज सिंगल कवर बट जॉइंट एंड द अदर वन इज द डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट, क्या डिफरेंस आप दोनों में देख सकते हैं, आपके सामने डायग्राम यहां बना रहा हूं। सिंगल कवर मींस होगा आपकी दो प्लेट्स के एज टू एज आपने यहां कनेक्ट किया है इसको, इस तरह से आपको ये प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आपने बॉटम में या टॉप में एक प्लेट उनको सपोर्ट करने के लिए यूज किए और उसी के थ्रू आपने यहां कनेक्शन कर दिया, दिस इज नोन एज ए सिंगल कवर बट जॉइंट। जो आपका सिंगल कवर मीन्स वन साइडेड कवर होगा, जब भी आपका वन साइडेड कवर होगा किसी बट जॉइंट के अंदर, नोन एज ए सिंगल कवर बट जॉइंट। और बात करते हैं अगर डबल कवर बट जॉइंट, देन आपका जो कवर प्लेट है वो आपके प्लेट्स की दोनों तरफ होगा, मीन्स कुछ इस पोजिशन से, यह आपकी होगी डबल कवर बट जॉइंट। इसी में केस आता है पैकिंग प्लेट का, जो केस है आपका पैकिंग प्लेट यूज होगी जब डबल कवर बट जॉइंट यूज किया जाता है। डबल कवर बट जॉइंट में अगर आपकी दोनों प्लेट्स है उनकी थिकनेस डिफरेंट हो, लाइक इस एक प्लेट आपकी मान लीजिए T1 थिकनेस है और एक प्लेट की थिकनेस आपकी T2, तो अगर यहां आपको डबल कवर बट जॉइंट यूज करना है तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां हम केवल यूज कर सकते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, बट हमारी कंडीशन है कि हमें डबल कवर यूज करना है। और अगर मैं यहां यूज कर रहा हूं तो एक प्लेट आपकी होगी कुछ इस तरह से। सो फॉर दिस केस आपको यहां क्या करना है, एक एक्स्ट्रा प्लेट यूज करेंगे हम, जो रिमेनिंग जो आपकी डिस्टेंस है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो भी होगी T2 - T1, वो आप यूज करेंगे और ये प्लेट कहलाती है पैकिंग प्लेट। अगर इस प्लेट की थिकनेस ग्रेटर देन 6 mm हो तो इसका डिजाइन में रोल है, अदरवाइज इसको डिजाइन में नेग्लेक्ट किया जाता है, बट यूज करेंगे अगर थिकनेस कम है, बट 6 mm से ग्रेटर देन होने पे इसको डिजाइन में कंसिडर किया जाएगा, जो हम देख सकते हैं कोड में पूरा। अब देन डिजाइन की बात करते हैं, डिजाइन ऑफ वोल्टेड कनेक्शन। डिजाइन ऑफ वोल्टेड कनेक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी IS 800-2007, तो आप अपना कोड ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ आपको टोटली कोड से आपको डिफाइन करता रहूंगा, जिससे आपको समझने में इजी रहे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन में, हम बात करते हैं तो होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, दोनों केस हैं आपके, इसमें सिंगल कवर बट जॉइंट हो, डबल कवर बट जॉइंट हो, या आपका लेप जॉइंट हो, उन केसेस के लिए अलग अलग आपके यहाँ शियर प्लान बनेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहां चल रहे हैं। क्लोज नंबर आपका है 10.3.3, क्लोज आपका 10.3.3 page 75, आपके कोड में ये चेक कर लीजिए। यहां पे आपको कुछ फॉर्मूला गिवन होगा VDSB को यहां पे आपको गिवन होगा FUV/√3 γmB NN ANB +NS ASB। बिल्कुल आपको कोड में शो नहीं हो रहा होगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला, आपको कुछ वैल्यू अलग दिख रही होगी,
तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसी में देखिए आपके फॉर्मुले को थोड़ा सा आपको डिवाइड करके कुछ VDSB जब वहाँ VNP भी है, VDSB को लिखा है VN by gamma MP, तो जब हमने ओवरऑल VDSB निकाला उस फॉर्मुले को पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आई ये। कोड में आपको सिर्फ ये विजिबल है, बट मैं आपको बता दूं कुछ केसेस होते हैं इसके साथ एक रिडक्शन फैक्टर भी कई बार यूज होगा। रिडक्शन फैक्टर, जो रिडक्शन फैक्टर आपका ये आपका कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है तीन केसेस के बारे में मैं बताता हूं, अगर क्वेश्चन में उनमें से कोई मेंशन है तो आपका वहां रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो डिजाइन में पार्ट नहीं करेगा। अब वो तीन केस क्या क्या है उनके बारे में एक बार बात की जाती है। पहला केस जो आपका है वो है लार्ज ग्रिप लेंथ। अगर ग्रिप लेंथ के बारे में कुछ बात की आपके क्वेश्चन डिजाइन क्वेश्चन में कि ग्रिप लेंथ जो है वो आपकी ज्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो आपकी यहाँ डिजाइन कंसिडरेशन में होगी लार्ज ग्रिप लेंथ। देन सेकंड बात करते हैं हम यहाँ लॉन्ग जॉइंट, पर्टिकुलर किसी जॉइंट की बात की जा रही है कि जो आपका जो जॉइंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहां सफिशियंट नहीं है और उसको ओल्ड लेंथ जो है जॉइंट की बढ़ानी है आपको। देन उस केस में हम बात करेंगे लॉन्ग जॉइंट। एंड देन लास्ट द केस है वो है पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट का मैंने केस वैसे आपको बता दिया है कि पैकिंग प्लेट का होगा जब आप डबल कवर बट जॉइंट यूज करते हैं उसमें अगर दोनों प्लेट की थिकनेस डिफरेंट हो और ग्रेटर देन 6 mm की अगर आपकी पैकिंग प्लेट यूज हो तो ये डिजाइन में कंसिडर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीनों जो आपकी इक्वेशन है ये आप के कोड में देखें पेज नंबर 75 पे क्लोज 10.3.3.1 10.3.3.2 एंड देन 10.3.3.3 इन तीनों में आपकी तीनों कंडीशन गिवन है। ज्यादातर एग्जाम्स जो है आप जहां देखेंगे आप कुछ भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं वोल्टेड इनके बारे में डिटेल्स कम ही होती है तो आपको इनको अवॉइड किया जाता है। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको ये रिडक्शन फैक्टर इनका मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके शेयरिंग स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। अब पहले बात करते हैं ये शेयरिंग स्ट्रेंथ है क्या। शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, जब भी आप किसी बोल्ट यहां पे यूज करते हैं अभी दो प्लेट्स है इनको अगर आप इस तरह से फोर्स दोनों तरफ अप्लाई हो और यहां बोल्ट हो तो क्या होगा आपके इस पॉइंट के ऊपर ये जो यहां फेल होने के चांसेस जो बढ़ेंगे यहां पे शियर प्लेन बनेंगे और उसी के रिगार्डिंग इसकी स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट होगी। तो किस तरह से ये शियर प्लेन बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये सारी जो हम टर्म्स है इनको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि टर्म्स क्या क्या है। फर्स्ट आपकी टर्म है यहाँ पे FUB। FUB मीन्स होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। यहां ध्यान दीजिएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी कुछ चीजें FUB और FU क्या होता है। FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील के बारे में बात की जा रही है जो होता है नॉर्मली 410 या 415 के अराउंड न्यूटन पर mm स्क्वायर। और FUB की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड इसको क्लासिफाइड किया गया 4.6 है, 3.6 है, 5.6 है। उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे आप याद रख सकते हैं कि आपकी बोल्ट की ग्रेड क्या है, सॉरी बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है। बस आपको अगर मेंशन है क्वेश्चन में बोल्ट ग्रेड, अदरवाइज हम अज्यूम करते हैं हमेशा हमारी ग्रेड जो होती है बोल्ट की वो 4.6 होती है। और उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि कैसे ये आपकी वैल्यू यहाँ बनती है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन गामा एमबी की टेबल आपके सामने यहाँ कोड से मैंने लिया, आप देख पा रहे होंगे ये टेबल है 5 पेज 30। टेबल 5 पेज 30 पे आपकी वैल्यू शो हो रही है पार्शली सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल। गामा एमबी की वैल्यू यहां रहेगी 1.25। देन नेक्स्ट जो अपने इस ब्रैकेट में एक सॉल्यूशन इसको हम करते हैं NNENB प्लस NSASB। फर्स्टली हम बात करते हैं ASB से शुरू होता है ASB। यहां हमें फाइंड आउट करना है एरिया जो बोल्ट के रिगार्डिंग आपका है। तो सिंपल सी बात है आपको जो ग्रोस एरिया है वो आपका होगा पाई बाई 4D2। डी आपका डाया ऑफ बोल्ट होगा जो भी यूज होगा उसको प्रोवाइड करेंगे 12 mm 14 mm 16 18 20 22 जो भी आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है या अज्यूम आप कर रहे हैं उस बोल्ट का डाया यहां पुट कर सकते हैं। देन ANB ये वैल्यू भी मेरी ASB की। देन वैल्यू निकालते हैं हम ANB नेट एरिया ऑफ बोल्ट। सिंपली आप समझ सकते हैं टोटल जो बोर्ड का एरिया होगा वो होगा आपका ग्रोस एरिया और उसमें से जो राइटेबल है मींस इस बाउंड्री को हटाने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका एरिया कहलाएगा नेट एरिया। सो यहां से जो आपका टोटल एरिया है उससे कुछ रिड्यूस हो जाएगा और जो नेट एरिया हमारे पास अवेलेबल होगा वो होगा ओनली 78%। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.78 π/4 d². देन अब हमारे पास दो अननोन अभी भी रहे NN एंड NS।
दोनों आपकी चीजें हैं, आप कोड से वहां पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ शियर प्लान को यहाँ शो कर रहा है, नंबर ऑफ शियर प्लान विद थ्रेड्स विदाउट थ्रेड्स के बारे में बात की जा रही है एनएन और एनएस के लिए। तो यहां से मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, एनएन जो आपका होगा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम 1, एनएस प्रोवाइड करते हैं 0। अब क्या 1 और 0 सब में रहेगा? ऐसा केस नहीं है। एनएस मैक्सिमम केसेस में हम 0 लेके चलेगा जो शियर प्लान, बट एनएन के बारे में मैं बात करता हूं। एनएन जो आपका होगा अगर लेफ्ट जॉइंट यूज कर रहे हैं, एनएन की वैल्यू होगी 1 लेफ्ट जॉइंट में। अगर आप यूज कर रहे हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, तो आपकी एनएन की वैल्यू रहेगी 1। मींस इन दो केसेस में आपकी एनएन की वैल्यू रहेगी 1। बट अगर आप यूज कर रहे हैं वहां डबल कवर बट जॉइंट, तो आपकी जो एनएन होगा वो होगा 2 फॉर डबल कवर बट जॉइंट। इसको मैं आपको यहां थोड़ा सा एक क्लिप के थ्रू समझा देता हूं। आपके सामने एक क्लिप यहां शो हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं जब सिंगल शेयर की बात की, मींस जब आप लेफ्ट जॉइंट और सिंगल कवर बट जॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो आपका वहां रह रहा है सिंगल शेयर, नंबर ऑफ प्लेन आप देख रहे हैं 1, मींस जो बोल्ट आपका वहां ब्रेक हो रहा है वो ओनली एक प्लेन पे हो रहा है। बट अब बात कर रहे हैं जब डबल कवर बट जॉइंट, ये आप देख रहे हैं यहाँ दो पार्ट में आपका बोल्ट डिवाइड हो रहा है, तो यहीं से हमारे जो नंबर ऑफ शियर प्लेन है वो बन रहा है एनएन की वैल्यू 1 और एनएन की वैल्यू 2। तो आपको क्लिप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा वैसे। देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। सेकेंड स्टेप है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बियरिंग कैपेसिटी में हम बात कर रहे हैं यहां पे हमारा जो बोल्ट है उस पर जब लोड लग रहा है तो अपने जो प्लेट है उसको कितना वहां से डिस्प्लेस कर रहा है, उसके हिसाब से वहां कुछ स्पेसिंग अवेलेबल होगी और उसी में आते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ से हम निकालते हैं यहाँ पे हमारे जो कोड में है वहां से आप लिख लीजिए क्लोज 10.3.4 जो आपका क्लोज है, और पेज आपका वही 75, क्लोज आपका है 10.3.4 पेज 75 पे। आपने यहां फॉर्मूला एक आपको शो हो रहा होगा VDPB, यहां आपके सामने लिखा 2.5 kV dT FU/γ mV। इस फॉर्मूले की बात करते हैं, FU जैसा कि मैं अभी मैंने प्रीवियस आपको स्टेप में भी बताया था और लास्ट वीडियो में भी है, आप लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लें क्योंकि यहां जो वैल्यूज काम आएगी उसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा। तो FU जो रहेगा वो आपका स्ट्रेंथ, बात कर रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। देन गामा एमबी, लास्ट अभी मैंने आपको स्टेप में बताया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, और बोल्ट के जब गामा एमबी की बात करते हैं दैट्स वैल्यू इज द 1.25 जो टेबल 5 पेज 30 से यूज करें। टी आपका जो है होगा थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हैं उनकी थिकनेस। डी आपके डाया ऑफ बोल्ट को शो कर रहे हैं, जो भी बोल्ट डाया आप अज्यूम कर रहे हैं यहां पे डाया ऑफ बोल्ट, टी आपके शो कर रहा है थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। गामा एम भी मैंने आपको बताया टेबल 5 पेज 30 से आप चेक कर सकते हैं, टेबल 5 पेज 30 से यहां मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू है यहां पे 1.25। एफयू आपका हो जाएगा 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपके Fe415 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मेंशन है Fe415 प्लेट्स, दैट मींस एफयू की वैल्यू हो जाएगी 415। देन केवी एक आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट फैक्टर आ रहा है जो कुछ वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, आप कोड में वहां देख सकते हैं आपके इसी स्टेप के नीचे कुछ वैल्यूज गिवन है उन्हीं से हम बात करते हैं केवी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। केवी की वैल्यू के लिए आपको चार कंडीशन वहां गिवन है, इसमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी जितना आप लीस्ट की बात करेंगे वो आपकी यहाँ केवी की वैल्यू पुट की जाएगी। तो लीस्ट के लिए मैं बात करता हूं यहाँ पे, हमारी सबसे पहली जो यहाँ कंडीशन है 4 kV, लेसर वैल्यू आपको पुट करनी है, लीस्ट वैल्यू किससे अमंग इन दीज, जो भी मैं यहां वैल्यूज लिख रहा हूं इसे लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट यहां पे हमारी वैल्यू है ई बाय 3D नोट, ई एज डिस्टेंस को यहां शो कर रहा है जिसको मैं यहां आपको बता सकता हूं, आप प्रीवियस वीडियो आई जो टेब है वहां से देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में सारा बताया ई क्या है, यहां पे 1.5 डी नोट
एट 1.7 डिनोट। कैसे? फॉर प्लेन एज, फॉर रफ एज, मीन्स स्मूथ अगर आपकी एज है या आपकी रफ एज है तो उस केस में आपकी वैल्यू ये होगी। डिनोट आपका होगा डाया ऑफ होल। या आप चेक कर सकते हैं आपके पेज 73 पे एक टेबल गिवन है लास्ट में जिसमें मेंशन है डी अगर आपका कितना एमएम है तो डिनोट कितना उससे बड़ा होगा। सेम सेकंड ईयर में बात करूं पी बाय 3डी नोट माइनस 0.25। पी आपका होगा पिच, पिच होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ 2 वोल्ट्स। मिनिमम पिच जो होता है वो होता है 2.5 डी। वैल्यू पुट करेंगे डाया ऑफ बोल्ट, डाया ऑफ होल, और जब ब्लेस करेंगे समथिंग कुछ वैल्यू आपकी पुट होगी। देन थर्ड आएगा आपका एफ यू बी बाय एफ यू। एफ यू बी होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड द एफ यू होगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। आप देख रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ग्रेड पे डिपेंड करेगा आपकी ग्रेड कौन सी यूज हो रही है। जनरली 4.6 यूज होती है फॉर माइल्ड स्टील, सो वहां पे वैल्यू आपकी अराउंड रहेगी 400 और एफ यू आपका 410-415, तो अराउंड इनकी वैल्यू आएगी 0.9897 एंड द लास्ट वैल्यू इज द 1। इन चार वैल्यू में से जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू होगी वो यूज होगी एज ए केबी। वो वैल्यू हम पुट करेंगे केबी से जहां हमें मिलेगा वीडीपीबी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से हमें फाइंड आउट करनी होगी बोल्ट की स्ट्रेंथ। बोल्ट स्ट्रेंथ बोल्ट वैल्यू जिसे बोला जाता है बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली शेयरिंग की वैल्यू मिनिमम आती है और वही आपकी अधिकतर बोल्ट वैल्यू यूज होती है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं बोल्ट स्ट्रेंथ और बोल्ट वैल्यू मीन्स है शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों में जो भी वैल्यू आपकी लीस्ट स्ट्रेंथ आई आपकी वहां पे बोल्ट की डिजाइन के लिए लीस्ट वैल्यू नोन एज बोल्ट वैल्यू जिसको बीवी से शो करते हैं बोल्ट वैल्यू। ये जो लेस वैल्यू है यहां से ये आपकी होगी बोल्ट वैल्यू। यहां से हमारे पास आ जाएगी बोल्ट वैल्यू मींस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। और अगर आपको क्वेश्चन में लोड मेंशन है यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी आगे भी आप कई कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर करेंगे वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है बोल्ट वैल्यू फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ बोल्ट। तो हमें क्या करना है जैसे ही हमारे पास यहां बोल्ट वैल्यू आएगी हमें यहां से निकाल सकते हैं हम देन नंबर ऑफ बोल्ट। नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमें जो भी आपका लोड गिवन होगा पर्टिकुलर लोड बाय अगर आप बोल्ट वैल्यू करेंगे मींस मान लीजिए अगर आपका एक बोल्ट वैल्यू है वो 10 किलो न्यूटन है और आपका लोड आ रहा है वहां 1000 किलो न्यूटन मींस कम से कम वहां 100 बोल्ट आपको रिक्वायरमेंट होगे। तो अलग अलग आपकी बात करेंगे। सो यहां से हम बात करते हैं बोल्ट वैल्यू हमने क्लियर की नंबर ऑफ बोल्ट हमने फाइंड आउट किए तो हम पर्टिकुलर डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम अप्रोक्स जितने हमारे बोल्ट यूज हो रहे हैं वो कर सकते हैं। देन मैं आपको बताता हूँ अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है किसी वहां पे जॉइंट की इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है तो देन आपको क्या करना है आपको एक स्ट्रेंथ निकालनी है जो होगी टीयरिंग स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आप पेज नंबर 76 पे आप देख रहे हैं कोड में जस्ट अपर ही अपर में एक फॉर्मूला गिवन है 0.9 NFU/γMB। यहाँ एक फॉर्मूला होगा आपका TDB = 0.9 NFU/γMB। यहां से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और देन आपको निकालनी होगी आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बोल्ट स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में इसका रेशियो निकाल के आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। जस्ट आपको अगर आपको सिंपली डिजाइन करनी है नंबर ऑफ बोल्ट तो आपके लिए सफिशियंट है नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है। क्यों? आप कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर चाहे आप प्लेट गर्ड डिजाइन कर रहे हैं या बैटन के लिए आप कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर में या किसी बीम में अगर आपको बोल्ट की रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको वहां पे सिंपली इसी कंडीशन से निकालना है और जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वही आपकी कहलाती है बोल्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए जहां हम आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो आई टेब है आई टेब में आप हमारा प्रीवियस जो बोल्ट कनेक्शन का पार्ट है वो यहां देख सकते हैं जिससे आपको काफी तक नॉलेज मिल जाएगा कि पिच क्या होता है आपका गेज लेंथ क्या होती है एंड डिस्टेंस क्या होती है जो हमने डिजाइन में यूज किया है। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट ये सफिशियंट रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कोड और अगर आप एक ट्राई कीजिए कोई न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपके पास अवेलेबल है उसको इसी मेथड से करने की कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम हो पुट कर सकें।
और भी अधिक आपको स्टील इन्फॉर्मेशन जो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, छोटा सा यहाँ एक आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और स्टील के जो भी हमारे नए नए वीडियोज आते रहेंगे पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर दिक्कत आ रही है जिसका आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।